वेलकम एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन रेस्परिएशन इन प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आए आपके सामने रेस्पिरीसन इन प्लांट ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है टी जी टी पी जी टी एल टी ग्रेट और नीट के लिए है नीट के लिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि ये अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है सेवनटीन जुलाई को तो 17 जुलाई को फोकस करते हुए हम लोग नीट पर देख रहे हैं क्वेश्चंस हैं रेस्परेशन इन प्लांट पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट ट्वेंटी क्वेश्चंस के ये सेट हैं इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस ना कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही जो है यहाँ पर मार्क करते हैं पर कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसको समझते हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी क्वेश्चंस है जैसा आप देख रहे हैं अब इसको हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन टेक प्लेस रेस्पिरीशंस जो होता है ये कहाँ पर होता है इन ग्रीन प्लांट्स प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओनली क्या सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होते हैं प्लांट्स के इन ऑल द लिविंग सेल ऑफ प्लांट इन द लिविंग एंड डेड सेल ऑफ द प्लांट इन दोस्ट ऑफ द प्लांट विच आर अब दॉल तो इसका आंसर जो है रेस्पिरेशन इन ऑल द लिविंग सेल ऑफ द्लांट सभी भी, सभी लिविंग सेल में होते हैं प्लांट के ठीक है इन ऑल द लिविंग सेल ऑफ द्लांट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्परेशन इज गारेस्परेशन को कैसे हम लोग रिगार्डिड एज तो दैट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस रिडक्शनल प्रोसेस एनाबोलिक प्रोसेस सेंथेटिक प्रोसेस तो रेस्पिरीशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस रेस्परेशन्स में एनर्जी क्या होती है ब्रेक होती हैं ठीक है जब ब्रेक होता है कोई भी फूड पार्टिकल्स एनर्जी के फॉर्म में तो उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज देखिए अभी हमने बोला कि किसका लॉस हो रहा है जब कोई फूड तो तो ब्रेक तो हो रहा है तो उसका लॉस होता है तो वो टूट रहा है तो ब्रेक हो रहा है तो रेस्पिरेशन जो है आपका लॉस इन ड्राइवेट ठीक है गेन इन ड्राइवेट नो चेंज इन ड्राइवेट ऑल आर करेक्ट तो यहाँ पर लॉस इन ड्राइवेट क्लियर है बेटा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आर क्यू क्या होता है आर क्यू मीन्स होता है रेस्पिरेशन क्यूटेंट ठीक है तो इसका जो है डेफिनेशन कहिए या फॉर्मूला कही आर क्यू क्या होता है तो RQ क्यू मीन्स हुआ आपका कि कितना आपने ऑक्सीजन को लिब्रेट किया कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट किया और ऑक्सीजन को कंज्यूम किया इसको हम कहते हैं RQ ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम इसको बोलते हैं RQ और ये हो गया आपका रेशियो बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और इसका कार्बोहाइड्रेट का पूछता है आरक्यू कितना है प्रोटीन का क्या है फैट का क्या है मैलिक एसिड का क्या है ऑक्जेलिक एसिड का कितना है ठीक है ससलेंट प्लांट का क्या है फोर प्लांट का क्या है सबका आपका आर क्यू वैल्यू पूछता है तो ये आपके लिए होमवर्क है जिससे आप इसको निकाल के कर सकते हैं ठीक है आने वाले क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हम आपको एक बता दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का आर की वैल्यू पूछे तो वन है ठीक है यही ज़्यादा पूछा रहता है अगर आप इसको कर लेंगे तो बाकी भी निकल जाएंगे बाकी क्वेश्चन इसमें होंगे तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द रिएक्शन ऑफ क्रैप साइकिल टेक प्लेस रिएक्शन ऑफ क्रैप साइकिल ये क्रैप साइकिल कहाँ पर होती है ठीक है तो ये क्रेप साइकिल आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है पर माइटोकॉन्ड्रिया में कई पार्ट है ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहा है देखिए इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉई लिखा है तो ये कॉन्ड्रिया होगा हो, होना चाहिए ठीक है ठीक है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म ऑन द सर्फेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा ये जो क्रेप साइकिल है ये आपके मैट्रिक्स में चलती है कहाँ चलती है मैट्रिक्स में मतलब फ्लूड में चलती है। जैसे ये आउटर लेयर है ये फिंगर लाइक लेयर होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं क्रिस्टी के अंदर फ्लूड होता है इस फ्लुइड को बोलते हैं मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स में आपके साइकिल यहाँ क्या क्या होती है चलती है ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन डूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एच टू ओ टू इज़ प्रोड्यूस बाई द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एम तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये ग्लाइकोलिक एसिड के ब्रेक होने पर जो है फोटो रेस्परेशन हो रहा है मतलब ये कहाँ पर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लाज पर में परसिजोम में राइबोसोम में तो एच टू ओ टू का जो रिलेशन सीधा आपका परॉक्सीजोम में है ऐसे क्वेश्चन देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में माने जाते हैं तो बेटा ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए इम्पॉर्टेंट में एच टू वो फोटो रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिक एसिड तो किसमें होता है पारोक्सीजोम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज तो जो पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन में वो कौन सा जो है कि है कौन सी साइकिल चलती है किस प्रोसेस को हम जो है कि रेस्पिरेशन्स में सबसे पहले जो है पढ़ते हैं जानते हैं तो वो क्या है ग्लाइकोलिसिस है क्रेप साइकिल है फोटोलिसिस है फर्मेंटेशन है तो वो है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस आपके साइटो में चलता है ठीक है साइटो में चलता है क्लियर हुई बात मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ सी कार्बन आइटम कंपाउंड अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन तो जो ये क्रेप साइकिल है आपका ये सिक्स कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है किसके किसके रिएक्शन से ये फॉर्म कर रहा है ठीक है पहला मैलिक एसिड एंड एसिटल को है ठीक है सेकेंड है ससेनिक एसिड एंड एसेटल कोइंजाइम है थर्ड इज़ फ्यूमरिक एसिड एंड पायरविक एसिड एंड फोर्थ वन इज ऑक्जेलिक एसिड एंड एसीटल कोंजाइम ए तो ये आंसर आपका सही हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसको ओ ए कहते हैं फोर कार्बन कंपाउंड होता है ये एसीटल कोंजाइम जो कि ये लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और साइकिल के बीच का तो इन दोनों के बीच में लिंक होता है और इसको एसीटल कोंजाइम ए कहते हैं ठीक है और सिक्स कार्बन का सिक्स कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं या सिट्रेट कहते हैं इस वजह से क्रेप साइकिल को टीसीए साइकिल और आपके सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्लियर हुई बात मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज़ तो वो कौन है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट करता है तो वो एन ए डी है ए टी पी है कोइंजाइम ए है टी पी पी है तो यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है आपका एन ए डी निकोटी नाइट और एच लगा देते हैं तो हाइड्रोजिनेस हो जाता है इसी वजह से इसको एन ए डी एच कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है इसको जो है पकड़ लेता है तो ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से माने जाएंगे ठीक है वैसे तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके लाएँ आपके सामने लेकिन उस इम्पोर्टेंट्स में भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं ठीक है टी पी पी मीन्स टी पी पी का क्या मतलब है थायमिन पायरोफॉसफेट थी थिएमीन पायरोफॉसफेट थाइमीन या पेंटा पेंटाफॉस्फेट तो टी पी पी होता है बेटा थियामीन फॉस्फेट तो इतना सिंपल क्वेश्चन से अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो भी आपको फोर मार्क्स आपके नीट में मिल सकते हैं मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यू इन ससलेंट तो देखिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चंस आएंगे आर से रिलेटेड क्योंकि आर से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बारी पूछता है ठीक है तो जो आर क्यू वैल प्लांट में है वो यूनिटी मोर देन यूनिटी या लेस देन यूनिटी या फिर ज़ीरो तो सेसुलेंट में आपका ज़ीरो हुआ आर वैल्यू क्या है ज़ीरो है ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वि साइकिल ऑपरेट्स इन फोटो रेस्पिरीसन ठीक है अगर पीछे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा फोटो रेस्परेशन से क्वेश्चन आया था ठीक है तो वो फोटो रेस्परेशन में कौन सी साइकिल आपकी चलती है क्रेफ साइकिल कैलविन साइकिल ग्लैकुलेट साइकिल है स्लेस साइकिल तो ये चारों साइकिल है क्रेफ साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रम चलती है कैलविन साइकिल आपके फोटोसेंथिस में चलती है और हैशलेस साइकिल सी फोर प्लांट में चलती है तो बचा आपका ग्लाइकोलेट साइकिल तो ग्लाइकोलेट साइकिल यहाँ एच टू ओ टू अभी बताया था ये आपका सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है तो ग्लाइकोलेट साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन से इसका रिलेशन है क्लियर हुई बात मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट रेस्पिरेशन लिविंग सेल रिक्वायर रिविंग लिविंग सेल को क्या चाहिए उस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ओनली ग्लूकोज ओनली ग्लूकोज एंड एंजाइम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्शन हो क्योंकि क्वेश्चन क्या हो गए हैं सेम हो गए हैं तो यहाँ पर आप जो है कि थर्ड डी वाले को ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिए ठीक है तो कोई भी रेस्पिरेशन में जो है कि लिविंग सेल को साइकिल स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो क्वेश्चन का थर्टीन का जो आंसर हुआ सी क्लियर हुई बात मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस फोटोफॉसफो फा फोटो नन तो देखो बेटा फोटो फोटोलिसिस ये आपके फोटोसेंसिस में होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन भी फोटोसेंसिस में होता है तो बच्चा ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोराइलेशन जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये आपके एक तरीके से ई टी एस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आपके आ, आ, इनर लेयर में चलता है ये जो है कि की लेयर है ये जो चैम्बर बच रहा है ये वाला पार्ट यहाँ बीच का इसी वाले आउटर चैम्बर में ई टी एस साइकिल चलती है जिसको ऑक्सीडेटि फॉसफोरिलेशन कहते हैं ठीक है बेटा तो आपको डायरेक्ट ये शब्द याद कर लेना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं आपको एक बात बता दें कि क्वेश्चंस आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स को जित जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जो न्यू न्यू वीवर्स है इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो यू कैन ऑल्सो प्लेस प्रेस दी बेल आइकन थैंक यू ग्लाइकोलिस एंड एंड्स इन दी ग्लाइकोलिसिस शुरू कहाँ होता है और एंड्स कहाँ होता है शुरुआत और एंड इसका दोनों साइटोप्लास में ही होता है ठीक है न्यूक्लियस प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लास काफ़ी ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर क्या है आंसर स्टार्ट भी यहीं हो रहा है और एंड भी यहीं हो रहा क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन पीछे दिए थे कि स्टार्ट कहाँ हो रहा है किस में होता है ठीक है लेकिन एंड्स पूछ लिया तो लोग जो है कि घबरा जाएंगे नहीं कर पाएंगे तो दोनों को साथ में मिला दिया और आपके एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गए हम क्वेश्चंस आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ही क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो क्या होती वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिससे आप लोग देख देखोगे नहीं और वीडियो स्किप कर दोगे इसलिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का ही हम सेट रखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी चैप्टर से रिलेटेड तो उसे कमेंट करिए आप कमेंट सेक्शंस में तो हम उस पर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंट द टर्म ए वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म ए टी पी किए हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ऑप्शंस हैं एफ लिपमैन कुरुसावा, लाइसेंको जैक एंड ड्रॉप तो ये चार ऑप्शन हैं इसमें से जो टर्म दिया है ए टी पी वो लिपमैन है एफ लिपमैन ठीक है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेप साइकिल इज ऑल्सो उन्होंने सिट्रिक साइकिल आपको ये पीछे बताए थे इसको सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं बिकॉज क्यों क्यों क्योंकि आपको हमने बताया था कि ऑक्जेलो एसिड रिएक्ट करता है जब एसिटल कोइंजाइम से एसिटल को इंजाइम से तो सिट्रिक एसिड ही फॉर्म करता है या सिट्रिक एसिड ही फॉर्म करता है तो सिट्रिक सा, सिट्रिक साइकिल बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ द फर्स्ट मेटाबोलाइट ऑफ द साइकिल इज सिटरेट जो पहला प्रोडक्ट बना वो सीटरेट बन गया ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए टी पी अकर ऑन दी ए टी पी का जो सिंथेसिस होता है ये कहाँ पर हुआ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्डियन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्डियन मैट्रिक्स नन ऑफ अब कहीं पर नहीं तो भैया ए टी पी का जो सेंथेसिस होता है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्री आपको बता रहे हैं बार बार माइटो आपके ऊपर की लेयर इंदर अंदर की लेयर फोल्ड होती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं ठीक है तो ये बाहर की लेयर में एटीपी का सिंथेसिस होता है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेप साइकिल इस क्रेप साइकिल का दूसरा नाम क्या है तो आपको हमने बताया था ग्लाइकोलेट साइकिल टी सी ए साइकिल सेट्रिक एसिड साइकिल तो सेट्रिक एसिड साइकिल भी नाम है सेट्रिक और टी सी साइकिल भी नाम है तो बी एंड सी बोथ तो आंसर हो गया आपका डी बी एंड सी बोथ और आपको बताए थे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है टी एम बी पाथवे एमडेन मेयर हॉफ पार्नस पाथवे ई एम बी पूछेगा और इसका जो एंड प्रोडक्ट है इसको पायरविक एसिड कहते हैं इसी पायरविक एसिड एसेट को एसिटल को एंजाइम लेकर जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसेट पर और फिर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिस को ई एम बी पाथवे भी कहते हैं और जिस इसका एंड प्रोडक्ट होता है पायरविक एसिड लास्ट क्वेश्चन है आपका द साइट ऑफ साइकिल इन बैक्टीरिया देखिए बैक्टीरिया का साइकिल पूछा कहाँ पर होता है तो आपका ऑप्शन है न्यूक्लियोइड साइटोप्लास राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्योंकि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है मॉडिफिकेशन हो जाता है ठीक है आउटर लेयर का ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम क्या बोलते हैं मीजोजोम और मीजोजोम का पूछते हैं कि किससे किस ऑर्गेनज किस का ये होमोलोगस है तो माइटो कॉन्ड्रिया का होमोलोगस है ठीक है तो मीजोजोम भी पूछ लिया आपसे कि क्या होता है ठीक तो है? है? है तो ये किसका मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है किस ऑर्गेनल के ये होमोलोगस है तो माइटोकॉन्ड्रिया का और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेपसाइकिल चलती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है तो बेटा ये थे आपके इंपॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है अब आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक करें कमेंट किए करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू